Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Educational, and in this video we are going to cover the 74th chapter of this series, Indian Polity की जो series हम cover कर रहे हैं। इस series का reference मैंने लक्ष्मीकांत के book से लिया है। ये हर बार मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये important है, आपको पता होना चाहिए कि किस book के reference से आप पढ़ रहे हो। ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज स्टेट की अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये मस्ट रीड बुक हो जाता है। ये एक थोड़ी सी मोटी किताब है, इसको मैंने ट्राई किया है कि आपको बिना कंटेंट को लूज किए वीडियो के थ्रू बहुत ही छोटे फ्रेमवर्क में मैं आपको बना के दे दूँ, ठीक है। एंड मोर ओवर जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपको बेनिफिट मिलने वाला है इन सीरीज को देखने पर, जो कि यू नो मेरे चैनल पे अवेलेबल है दो सीरीज, एक इंडियन इकोनॉमी और एक इंडियन पॉलिटी की, ठीक है। इंडियन पॉलिटी की सीरीज अब कवर होने वाली, लगभग ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी कवर्ड है, यहाँ पे पीडीएफ भी दिया गया है ताकि आपको नोट के लिए टेंशन ना हो, नोट आप रेडीमेड नोट आपको मिल जाए एंड आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सको जिससे कि आप एज ले सको एग्जामिनेशन में, आप जो भी क्वेश्चन आपको मिले वो 100% आप सही कर सको। इसके लिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये सोच समझ के ही मैंने पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी पीडीएफ अब आपको मिल ही जाएगा कुछ ही दिनों में, मुश्किल से 3-4 रोज में आपको ये सीरीज कंप्लीट मिलेगी और पीडीएफ भी कंप्लीट हो जाएगा और प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहाँ से आप पीडीएफ ले लेना। वोटिंग बिहेवियर की बात करेंगे आज हम इस चैप्टर में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, ये नहीं करते हो आप, ये करना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत एफर्ट डालता हूँ मैं मेटिकुलसली आपके लिए, फ्री कंटेंट बना रहा हूँ मैं और यही सब पूरा। अगर आप आईएएस का कोर्स करने जाते हो, यूपीएससी की तैयारी करने जाते हो तो आपसे 1 से 1.5 लाख रुपए ले लिए जाते हैं, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा ले लिए जाते हैं। ऑनलाइन भी कोर्स लोगे तब भी आपको कम से कम एक एक जो क्या करते हैं, एक बुक का वो कोर्स देते हैं, एक बुक का वो 10,000-15,000 ऐसे करके लेते हैं, तो वहाँ भी आपका बहुत सारा एक्सपेंडिचर हो जाता है। मैं आपको फ्री कंटेंट दे रहा हूँ और क्वालिटी कंटेंट पे मेरा फोकस रहता है हमेशा, ऐसा कंटेंट दे दूँ जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा यू नो हेल्पफुल हो ये कंटेंट। और ये एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जिसको आप यू नो चाह के भी छोड़ ना सको, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाए जो आपको एक यूपीएससी की तैयारी में ज़रूरत पड़ती है। सारा रिसोर्स, सारे इंपॉर्टेंट बुक्स मैं कवर करने वाला हूँ। मैं अकेला काम करता हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम तो लगता है, मेरे पास कोई टीम नहीं है एंड मैं टीम में विश्वास करता हूँ, अगर अच्छी फैकल्टी हो तो टीम में विश्वास करता हूँ, लेकिन चूंकि मैं खुद अकेला भी काम कर रहा हूँ, इंडिविजुअली ही इस चैनल को रन कर रहा हूँ और आपको फ्री कंटेंट देता हूँ, तो आई एम सॉरी कि डिले होता है, डिले होना ही है, लाजमी सी बात है, अकेला यू नो सिर्फ पूरा यू नो कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एनीवे मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को आपको दे ही दूंगा। चलिए पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे मीनिंग ऑफ वोटिंग बिहेवियर। वोटिंग बिहेवियर किसकी होती है? जो वोटर्स होते हैं, आप हम वोटर होते हैं, इलेक्शन में वोट देते हैं, हमारा बिहेवियर जो होता है उसी को वोटिंग बिहेवियर कहते हैं। हम कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारा एक्चुअली कैसा बिहेवियर, हमारा डे टू डे का बिहेवियर नहीं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जब भी हम वोटिंग से रिलेटेड हमारा बिहेवियर होता है, मतलब वो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है, जिसको हम इलेक्टोरल बिहेवियर या फिर पॉलिटिकल बिहेवियर दोनों कहते हैं, ठीक है। तो वोटिंग बिहेवियर एक वोटर का होता है। ओवरऑल अगर मास का देखोगे तो मास की वोटिंग बिहेवियर आपको पता चल जाएगी। अब सिग्निफिकेंस क्या है वोटिंग बिहेवियर की, इसको एक एक्चुअली ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाता है जिसको कहते हैं सेफोलॉजी, सेफोलॉजी इसको कहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा यू नो ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस है जहाँ से हम वोटिंग बिहेवियर को पढ़ते हैं, वोटिंग बिहेवियर को समझते हैं। ओवरऑल ये जो फेसोस जो सेफो जो बेसिकली एक टर्म है वो ग्रीक टर्म है, इसका मतलब होता है एक पॉटरी, ए पीस ऑफ पॉटरी, ठीक है, एक पीस ऑफ पॉटरी, ठीक है। एनीवे ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है बट मैंने आपको रख दिया है, यहाँ पे किताब में भी दिया हुआ है बट मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम एग्जाम में आने वाला है नहीं, फिर भी एक जानकारी के तौर पे हर चीज़ आप
नंबर लाने के पर्सपेक्टिव से ही नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ चीज़ें जानकारी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, जानकारी के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो आगे चल के आपको हमेशा फ़ायदा मिलेगा इसका, नंबर के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो बस यू नो लिमिटेड हो जाएगा वो आपके एग्ज़ाम क्रैक करने से। तो मैं दोनों पर्सपेक्टिव लेके चलता हूँ, बहुत ज़रूरी है दोनों, नंबर भी आपको आना चाहिए और आपकी ओवरऑल अवेयरनेस भी, नॉलेज भी आपकी उस लेवल की हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन कम्प्रीहेंडिंग द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, हेल्प्स इन एग्जामिनिंग डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू एमंग द एलाइट एज वेल एज द मासेस। इसका मतलब क्या है, वोटिंग बिहेवियर जो है वो आपको हेल्प करता है, या फिर आप ओवरऑल इस ब्रांच की बात करो सेफोलॉजी की, तो जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको क्या समझ में आता है, आपको समझ में आता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैसे होता है हमारी कंट्री में। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से मेरा मतलब ये है कि कैसे लोग पॉलिटिक्स को अपने अंदर इंस्टील करते हैं, कैसे पॉलिटिक्स को अपने डे टू डे लाइफ में वो लोग इंक्लूड करते हैं, सोशलाइज होते हैं वो पॉलिटिक्स के मैटर पे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन एग्जामिनिंग द डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू एमंग द एलाइट एज वेल एज मासेस। तो ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेसी क्या ओनली एंड ओनली एलाइट की है, नहीं मासेस की भी है। मासेस की होनी इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए हम लोग यू नो पॉलिटिक्स को, डेमोक्रेसी को ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना। अगर ऐसे डिफाइन करना है तो मासेस को भी अवेयर होना पड़ेगा, मासेस को भी पॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये वोटिंग बिहेवियर बताता है, आप जब भी वोटिंग बिहेवियर देखते हो कैसा वोटिंग बिहेवियर रहा है तो आपको पता चलता है कि मासेस ने डेमोक्रेसी को एज ए वैल्यू समझा है कि नहीं, या फिर ये ओनली एलाइट लोग समझते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, जब आप सेफोलॉजी पढ़ते हो तो आप एक्चुअली जानते हो कि मासेस क्या पॉलिटिक्स के बारे में जान रही है कि नहीं, या फिर ओनली आज के डेट में एलाइट ही पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, वोटिंग बिहेवियर से ये पता चलता है। नेक्स्ट, इट हैज़ रियल इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी बैलेट बॉक्स। ठीक है, इससे पता चलता है कि रिवोल्यूशनरी बैलेट बॉक्स पे रियल इम्पैक्ट वोटिंग बिहेवियर का क्या है, हाउ फार द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कंटिन्यू और ब्रेक विद द पास्ट। वोटिंग बिहेवियर आप देखते हो किसी भी कंट्री की तो आपको पता चलता है कि जो पास्ट में वोटिंग बिहेवियर था और जो पास्ट में पॉलिटिक्स जो कंटिन्यू चल रही थी उससे क्या इस बार कुछ अलग हुआ है कि नहीं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यू नो पॉइंट है जिससे कि आप, आपको समझ में आता है कि रियली हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, डेमोक्रेसी में, वोटिंग बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हमारी बदल रही है कि नहीं। तो ये अगेन वोटिंग बिहेवियर ही हमें बताता है। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ये वोटिंग बिहेवियर। नेक्स्ट, इट मेजर्स वेदर इट इज मॉडर्न और प्रीमोडियल एज फार एज द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री इज कंसर्न, या फिर एनी कंट्री, किसी भी कंट्री का वोटिंग बिहेवियर देखते हो तो ये बताता है कि हमारा जो यू नो डेवलपमेंट हुआ है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, वो मॉडर्न तरीके से हुआ है या फिर प्रीमोडियल तरीके से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर, क्या क्या वो डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि हमारे वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि हमारा वोटिंग बिहेवियर कैसा होता है हमारी कंट्री में। इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एक्सक्लूसिवली बात करेंगे। तो इंडियन सोसाइटी हमारी जो है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। आपने अगर यू नो एनसीईआरटी पढ़ी हो तो एनसीईआरटी के छठे क्लास में ही पढ़ोगे डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में बताया गया कि हमारी कंट्री कितनी डाइवर्सिफाइड है, लिंग लैंग्वेज के बेसिस पे डाइवर्सिफाइड है, रिलीजन, सेकुलर स्टेट है तो कई सारे रिलीजन है हमारी कंट्री में, कास्ट है कई सारा, ठीक है यू नो फिर कल्चर हमारा बदलता रहता है, हमारे कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है हम लोग। लेकिन हमारा जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, एनीवे ये दूसरा टॉपिक हो गया, मैं आपको ये बता रहा हूँ डाइवर्सिफाइड कंट्री होने की वजह से हमारा जो वोटिंग बिहेवियर है वो डिटरमाइंड किया जाता है मल्टीपल फैक्टर्स के द्वारा। बहुत सारे फैक्टर्स एक्चुअली हमारी कंट्री के वोटिंग बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। इनको अगर आप ब्रॉडली कैटेगराइज करोगे तो इसको दो कैटेगरी में रखा जा सकता है, जो कि नंबर वन आप कह सकते हैं सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर और नंबर टू कह सकते हैं पॉलिटिकल फैक्टर। ठीक है, सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर एंड पॉलिटिकल फैक्टर, वैसे फैक्टर्स
जो कि वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे, उनका बेसिस सोशल इकोनॉमिक हो, मतलब कि इकोनॉमी के वजह से अगर वोटर्स की वोटिंग बिहेवियर बदल रही है तो वो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इसमें होते हैं। तो एक एक करके इनको देख लेंगे कि ये फैक्टर्स हैं क्या। कास्ट, कास्ट एक सोशल इकोनॉमिक फैक्टर में आता है, ठीक है, कास्ट जो है वो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर में आता है। कास्ट बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही अफेक्टिवली ये एक्चुअली वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इस मैटर पर रजनी कोठारी का एक इम्पॉर्टेंट यू नो सेइंग है, जिसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, जिससे आप ओवरऑल समझ जाओगे कास्ट कैसे हमारे वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। रजनी कोठारी ने कहा कि इंडियन पॉलिटिक्स इज द कास्टिस्ट एंड द कास्ट इज पॉलिटिसाइज। इसका मतलब पॉलिटिसाइज है, कास्टिस्ट है हमारा पॉलिटिक्स। कहने का मतलब है कि हमारे जो नेता होता है वो कास्ट, जब भी अपनी यू नो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जब भी स्ट्रैटेजी बनाती हैं कि हमको जीतना है, तो कास्ट फैक्टर को सबसे ऊपर रखती हैं। इंडियन पॉलिटिक्स कास्टिस्ट है, कास्ट पर बहुत सारे चुनाव लड़ा जाता है। आप देखोगे यादव कोई कम्युनिटी के लोग होंगे तो यादव कैंडिडेट को ही वो वोट देंगे। नहीं, मैं बस अब यादव कम्युनिटी मेरे से चिढ़ मत जाना, ऐसे कई सारे राजपूत कम्युनिटी जो है वो राजपूत कम्युनिटी के ही अपने यू नो जो कैंडिडेट है उसको वोट देता है। तो ऐसे करके लाइकवाइज कई सारी कम्युनिटी हैं, सॉरी कई सारे कास्ट हैं, वो कास्ट बेसिकली एक दूसरे को ये अपने ही कैंडिडेट को चुनने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसी पार्टी को चुनने की कोशिश करते हैं जिसका मेन लीडर उस पर्टिकुलर कास्ट से हो, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटिक्स इज कास्टिस्ट एंड कास्ट इज पॉलिटिसाइज्ड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लार्ज एंड इम्पोर्टेंट कास्ट इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज टेंड टू बैक ईदर ए रिस्पेक्टेड मेंबर, ठीक है, ऑफ कास्ट और पॉलिटिकल पार्टी। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टी का बंदा अगर मेन मुखिया, जैसे लालू प्रसाद यादव, ठीक है, लालू प्रसाद यादव के मेन मुखिया होने की वजह से अगर चाहे वहाँ पे राजपूत ही उनकी पार्टी से क्यों ना खड़ा हो तो यादव भी वोट दे देंगे उनको, या फिर अगर यहाँ भी सेंटर पे पॉलिटिकल पार्टी पे भी लीडरशिप यादव की है और मेन जो कैंडिडेट है वो भी यादव का ही है तो और भी ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। तो मैं सिंपल शब्दों में ये बता दूं कि कास्टिज्म चलता है हमारी कंट्री में, बहुत ज़्यादा चलता है। लोग मुद्दों की बात नहीं करते, लोग डेवलपमेंट की बात भूल जाते हैं, कई बार कास्ट पे ही वोट पड़ जाता है। केवल देन आता है रिलीजन, रिलीजन अगेन पार्टीज इंडल्ज इन कॉमनल प्रोपोगेंडा एंड एक्सप्लॉइट द रिलीजियस सेंटिमेंट। अब ये भी इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि कोई भी पार्टी इसको इग्नोर नहीं करता है, रिलीजन हमेशा वो ध्यान में रखते हैं। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी किसको फोकस करती है, 80% मोर देन 80% जो लोग हैं जो हमारे हिंदू हैं उसको फोकस करती है, ये ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी को कई बार इग्नोर कर देती है, सेंटिमेंट जगा देती है, हिंदू मुस्लिम की सेंटिमेंट जगा देती है 80% में और 80% धनाधनी को वोट गिरा देता है। तो रिलीजन एक फैक्टर होता है, एक रिलीजियस सेंटिमेंट जगाने का फैक्टर होता है। आम लोग इसको नहीं समझ पाते, वो हिंदू मुस्लिम में उलझ जाते हैं तो, और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, वो कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका क्या सोल्यूशन सरकार ने निकाला वो नहीं देखते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ओनली सेंटिमेंट पे आप कुछ नहीं कर सकते, सेंटिमेंट पे आपका आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, आपकी सरकार बस आपको मूर्ख बनाती रहेगी, लिटरल शब्दों में कहूँ कौन तो चूतिया बनाती रहेगी। एनीवे, सेकुलर नेशन नो पार्टी इग्नोर्स, ऑल दो वी हैव ए सेकुलर नेशन, हमारी कंट्री हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि हम लोग सेकुलर नेशन है। सेकुलर नेशन मतलब कि हमारा कोई भी स्टेट का कोई पार्टिकुलर रिलीजन नहीं है, हम सभी रिलीजन्स को हम लोग बढ़ावा देते हैं, सभी रिलीजन को हम लोग मान्यता देते हैं, सबकी अपनी अपनी रिलीजन है उसको फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं, सेकुलर नेशन है हम लोग। लेकिन पार्टी कभी भी इग्नोर नहीं करती इस फैक्टर को कि भाई रिलीजियस जो सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज, लैंग्वेज अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो कि वोटर बिहेवियर को बहुत ही बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, जिसके दम पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था। इनफैक्ट उसके बाद भी कई बार
लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रिओर्गेनाइज किया गया है। ये एग्जांपल ही आपको बताता है कि लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना हो। कुछ पार्टियां जैसे कि डीएमके, द्रविड मुनेत्रा कजाकम, ये तमिलनाडु की पार्टी है, देन तेलुगु देशम पार्टी आंध्रा की पार्टी है, इनका बेसिस ही लैंग्वेज है। तेलुगु नाम ही देखो, तेलुगु, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी, ये लैंग्वेज के बेसिस पे ही पार्टी बनी हुई है। तो इनमें क्या है, सेंटिमेंट है तेलुगु वालों में कि भाई हम वोट देंगे तो तेलुगु देशम पार्टी को ही देंगे, भाई हमारी पार्टी है, तेलुगु से रिलेटेड है, लैंग्वेज हमारा है। तो लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करता है वोटिंग बिहेवियर को, समझे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रीजन। रीजन अगेन एक सीमित सोच को दिखाता है। रीजन सीमित सोच रखने वाले जो पार्टियां हैं जिसके वजह से रीजनल पार्टियों का बेसिकली जन्म होता है, सब नेशनलिज्म में वो विश्वास करते हैं। वो सोचते हैं कि पार्टिकुलर हमारा जो नेशनलिज्म है, सब नेशनलिज्म क्या होता है, मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर रीजन पे सीमित रह के सोच रखा जाए तो उसको सब नेशनलिज्म कहते हैं। आप ओवरऑल कंट्री का सोच रखो ना, नेशनलिज्म सोचो, सब नेशनलिज्म क्या, क्यों सोचने की जरूरत है। तो रीजनल पार्टियाँ ज़्यादातर सब नेशनलिज्म सोचती हैं एंड रीजनल आइडेंटिटीज एंड रीजनल सेंटिमेंट को जगा के इन्फ्लुएंस करती हैं, वोटिंग बिहेवियर को चेंज करती हैं, ठीक है। तो रीजन के लोग रीजनल पार्टियों को ही वोट देते हैं और उनको वोटिंग बिहेवियर उन्हीं के साथ खड़ा रहता है। आगे बढ़ते हैं, पर्सनालिटी। कुछ कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है हमारी कंट्री में। एग्जाम्पल के तौर पर ले तो जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी, इन सबको माना जाता है कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी। नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट गिर जाता है। बोला कि आप पूछोगे वोटिंग बिहेवियर के नाम पे भाई किसको वोट देगा, बोला कि अरे कुछ नहीं, मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं। तो मोदी जी को वोट आप थोड़ी देने जा रहे हैं, आप तो देने जा रहे हैं पर्टिकुलर कैंडिडेट को। लेकिन बंदा बोलेगा कि नहीं, हम तो मोदी जी को वोट दे के आए हैं। अब वही बात है, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी की बात हो गई। जवाहरलाल नेहरू जब थे तो वो भी करिश्मेटिक पर्सनालिटी के टाइप में माने जाते थे। उनके कैंडिडेट में भले दम हो ना हो, लेकिन उनके नाम पे जीत जाते थे कैंडिडेट। इंदिरा गांधी के समय भी यही हुआ, राजीव गांधी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग सब कुछ भूल जाते हैं कि आखिर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कौन करेगा। वही बंदा करेगा ना जिसको आप वोट देने जा रहे हो, या फिर नरेंद्र मोदी खुद आके काम करेंगे, नहीं ना। तो खैर ये भी मतलब वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। लोग इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कैरिस्मेटिक जो पर्सनालिटियाँ होती हैं उनसे इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मनी। मनी एक ऐसा एग्जांपल है, एक ऐसा फैक्टर है जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे वोटिंग बिहेवियर को। कई बार आपने सुना होगा कि मतलब सेंटिमेंट कुछ और चल रहा है, लास्ट के समय में दारू पिला पिला के पैसा बांट बांट के वोट खरीद लिया जाता है। वोट्स आर फ्रीली एक्सचेंज फॉर द नोट्स, ठीक है। तो मनी अगेन आपके वोटिंग बिहेवियर को, हमारे वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी। कई बार क्या होता है, कि जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सत्ता में बैठी इनक्यूबेंट जो पार्टी होती है, ठीक है, वो उसके परफॉर्मेंस को लोग जज करते हैं। जब नेक्स्ट चुनाव आता है तो उनके मैनिफेस्टो को उठा के लोग देखते हैं कि भाई क्या बोला था इस पार्टिकुलर पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में, और क्या उस मैनिफेस्टो के जो वादे थे उनको पूरा किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो एंटी कम्बेंसी फैक्टर ले आ जाता है सामने, मतलब कि ये तो यार झूठी वादे थे, झूठे वो थे, और इसके दम पे सरकार गिरा दी जाती है। वोटिंग बिहेवियर चेंज हो जाता है कि यार इसने तो ये वादा किया लेकिन पूरा नहीं किया, चलो इस पर गिराते हैं इसको। वोटिंग बिहेवियर इससे भी इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्टी आइडेंटिफिकेशन। अगेन पर्सनल एंड इमोशनल एसोसिएशन होता है वोटर्स का कुछ पार्टियों के साथ। जैसे कि अब वहाँ पे जैसे मैंने बोला ना कि कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, अब बस यहाँ पे उसके जगह पे आप कमल लगा दो या फिर हाथ लगा दो, तो क्या है कई लोग तो बस इतना ही जानते हैं। मैं तो कई ऐसे बुजुर्गों से भी मिला हूँ, कई आंटियों को देखा हूँ, बहुत सारी बुजुर्ग आंटियों को,
उनसे एक से तो मैंने पूछा भी कि आंटी आप किसको वोट देने जाइएगा, किसको वोट देना है, तो उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं, हमें तो भैया बस वही दिखता है कि कमल पे मारना है जाके मोहर लगाना है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हाथ छाप पे मोहर लगा के लाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कैंडिडेट अगेन वहाँ पे इग्नोर हो जाता है, और पर्सनल और इमोशनल एसोसिएशन होता है कुछ लोगों का पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, जिसके वजह से भी वोटिंग बिहेवियर हमारा इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग, ये एक्चुअली जो पार्टी आइडेंटिफिकेशन था, वोटिंग बिहेवियर जिस जो इन्फ्लुएंस करता था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता था एक्चुअली 1950s में 60s में, लेकिन 70s के बाद इसका थोड़ा सा वैल्यू धीरे धीरे, अब लोग क्या कैंडिडेट देखने लगते हैं, अब लोग देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में किसने काम किया, वो देख के वोट देते हैं, अब थोड़ा चेंज आया है जो कि एक अच्छी बात है। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो होती है पॉलिटिकल पार्टियों की, उस पर भी बहुत सारा वोटिंग बिहेवियर चेंज होता है, जैसे कि कॉम्युनिज्म, कॉम्युनिज्म किसी किसी पार्टी का, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, पैट्रियोटिज्म, देन डिसेंट्रलाइजेशन, ये पार्टियों का एक्चुअली आइडियोलॉजी होता है जिसके बेसिस पे वो काम करती है, खुद की आइडियोलॉजी रखती है, और इस पे भी कई लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि नहीं यार डिसेंट्रलाइजेशन जिस बंदे को अच्छा लगता है तो वो किसको वोट देगा, वैसी आइडियोलॉजी रखने वाली पार्टी को वोट देगा जो कि डिसेंट्रलाइजेशन की आइडियोलॉजी रखती है। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में कहें तो आइडियोलॉजी से भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, वोटिंग बिहेवियर होता है। अदर फैक्टर भी हैं कुछ, जैसे कि पॉलिटिकल इवेंट्स, ऐसा कुछ हो गया किसी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होने की वजह से जिससे कि वार छिड़ गया, और वार में हमने अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो भी लोग कहते क्या यार इस बार तो पाकिस्तान को ना कुछ चने चबवा दिए तो उससे क्या है कि मतलब कहते नहीं यार अब तो हमारा मतलब पाकिस्तान कितना डर गया, देखा भारत ने इतना एक्शन ले लिया, नरेंद्र मोदी नहीं होता तो एक्शन नहीं होता, तो इस पे इस दम पे भी वोटिंग बिहेवियर चेंज रहता है कि यार अरे इतना कर रहा है चलो वोट देते हैं, देश को एकदम नाम ऊंचा कर दिया, वार, मर्डर, लीडर, मर्डर ऑफ लीडर, करप्शन स्कैंडल, इस के दम पे भी इन्फ्लुएंस होती है वोटिंग बिहेवियर। जैसे मान लीजिए कि एक अच्छा एग्जाम्पल 2014 वाला था, उसमें करप्शन के चार्जेस लगे खूब कांग्रेस पे खूब, UPA 2 जो सरकार थी उसमें खूब करप्शन के स्कैंडल्स के चार्ज लगे जिसके वजह से सरकार गिरी। देन इकोनॉमिक कंडीशन पार्टिकुलर टाइम में, मान लीजिए कि इस बार इलेक्शन होने वाला है और इसी समय में कोई सरकार है, या फिर पॉलिटिकल सॉरी इकोनॉमिक कंडीशन उस सरकार की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, फूड में शॉर्टेज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके वजह से भी लोग देखते हैं यार इस पार्टी के होने की वजह से साला ये सब प्रॉब्लम आया हुआ है तो चलो दूसरी पार्टी को देते हैं, तो ये भी फैक्टर है जिसको लोग कंसिडर करते हैं अपने वोटिंग बिहेवियर में। नेक्स्ट है फैक्शनलिज्म, फैक्शनलिज्म हर लेवल पे होता है, फैक्शंस बन जाते हैं और उसके वजह से भी वोटिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। फैमिली एंड किनशिप, इलेक्शन कैंपेन, अब इलेक्शन कैंपेन कोई पार्टी अच्छी कर दे तो उससे भी काफ़ी अंतर पड़ता है, तो कैंपेन देखते ही हो कितने जोर 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 शोर से तैयारियाँ होती है, घर घर घूमते हैं लोग, हर एरिया हर कॉन्स्टिट्यूएंसी छूने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े नेता घूमते हैं, पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड, रोल ऑफ मीडिया, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं वोटिंग बिहेवियर को। अब हम रोल ऑफ मीडिया को थोड़े अच्छे से जान लेते हैं, वोटिंग बिहेवियर से लेकर से अगर जोड़े रोल ऑफ मीडिया को इलेक्शन में वोटिंग बिहेवियर को लेकर, तो ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वोटिंग बिहेवियर को चेंज करने में, इन्फ्लुएंस करने में। तो इसको स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ेंगे, रोल ऑफ मीडिया इन इलेक्शंस एंड वोटिंग बिहेवियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। मीडिया का जो रोल है रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इंफॉर्मेशन जो डिसेमिनेट करने का ये काम करती है, मतलब लोगों तक तो पहुंचाने का काम करती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। राइट फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द नॉमिनेशन सिक्योरिटी सॉरी स्क्रूटिनी कैंपेन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पोलिंग काउंटिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यहाँ तक जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है कहाँ से मिलता है, क्या आपके घर डायरेक्ट ECI का कोई ऑफिसर आके आपको बताता है कि ये इलेक्शन अब अनाउंस हो चुका है, आप कहाँ से देखते हो, आप मीडिया से ही तो देखते हो, आप न्यूज़ देखते हो वहाँ से आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो मीडिया से बहुत सारा आपको खबर मिलता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती हैं
जो इलेक्शन में मीडिया का रोल है बहुत बड़ा है. देन अगेन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एजुकेशनल फाइनेंशियल एंड क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स. ये क्या होता है, जब एक कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करने जाता है तो उसको कई सारे इंफॉर्मेशन वहाँ पे फर्निश करने होते हैं, जैसे कि खुद का उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसका फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, उसके क्रिमिनल चार्जेस उसके ऊपर क्या क्या है, सब वो देता है. ये जब इंफॉर्मेशन आ जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने वेबसाइट पे उसको अपलोड कर देती है. उस वेबसाइट से डेटा लेकर मीडिया क्या है लोगों तक पहुंचाती है, बताती है कैंडिडेट्स के बारे में कि ये कैंडिडेट इतना, इसके क्रिमिनल चार्ज है, ये कैंडिडेट में ये प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशनल उसका क्वालिफिकेशन, सब कुछ मीडिया क्या है लोगों तक पहुँचा देती है. इससे क्या होता है, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन रेडीमेड पहुंच जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर कैंडिडेट में ये गुण है, ये अवगुण है. इससे क्या होता है, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी हमारे इलेक्शन सिस्टम में बन जाती है. लोग ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंटली डेटा को यू नो देख के ऑनेस्टली वो लोग वोटिंग करते हैं, तो अच्छी बात है. ये मीडिया जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. नेक्स्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड अदर लॉज. तो मीडिया नॉट ओनली इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन का काम करती है, हाउएवर इट ऑल्सो इंश्योर्स कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कहीं वायलेशन हो रहा है तो उसको कवर करके दिखाया जाए, नेशनल टेलीविजन पे दिखाया जाए. ठीक है, तो इट एक्ट्स लाइक ए वॉच डॉग. ठीक है, वॉच डॉग फॉर एनी यू नो इलेक्शन से रिलेटेड माल प्रैक्टिसेस, उसके लिए कह सकते हैं कि वॉच डॉग की तरह रोल ये प्ले करती है. इट हाईलाइट इंसिडेंट्स ऑफ यूज ऑफ मसल एंड मनी पावर इन द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इट ऑल्सो एक्सपोज द वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कंप्लायंस टू द इलेक्शन लॉ. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो देखना, सारे वीडियो को देखते रहना. ऐसा नहीं कि जंप मार के कहीं से कहीं घुस के पढ़ रहे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. मेरे स्टूडेंट्स को मैं चाहता हूँ कि यार एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो. जरूरी है, कोई बंदा अगर बोल रहा है तो अपने एक्सपीरियंस के दम पर बोल रहा हो, मानना चाहिए. वन से पढ़ो, पूरा कवर करो, होलिस्टिक पढ़ो, रिलैक्स होकर पढ़ो, माइंड कूल करके पढ़ो, बहुत मज़ा आएगा. कहीं से जंप मारोगे, दिमाग में हजार तरीके के इन्फॉर्मेशन कभी इधर से कभी उधर से लोगे, तो ऐसा भी होता है कई बार कि दिमाग से एक आवाज़ आ जाए डुब और आपके यू नो वायर्स वायर्स निकल जाए. एनीवे, मजाक था. कंप्लायंस टू इलेक्शन लॉ. इलेक्शन कमीशन डज नॉट रेगुलेट मीडिया. इलेक्शन कमीशन हालांकि एक्सक्लूसिवली, कोई इसका प्रोविजन नहीं कि रेगुलेट करे मीडिया को, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में सेक्शन 126, 126 ए, 127 ए, ये सब कुछ प्रोविजंस है जिससे मीडिया को भी रेगुलेट किया जा सकता है. ड्यूरिंग इलेक्शंस मीडिया इज प्रेजेंट एंड एक्टिव एट ऑल स्टेजेस, सो दे हैव टू कंफर्म टू द वेरियस लॉज गवर्निंग द इलेक्शंस. तो जो इलेक्शंस को लॉज गवर्न करते हैं वो मीडिया पे भी लागू होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सेक्शन 126 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951. ये जो सेक्शन है ये प्रोहिबिट करता है मीडिया को डिस्प्लेइंग एनी इलेक्शन मैटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 48 आवर्स एंडिंग विद द आवर फिक्स्ड फॉर द कंक्लूजन ऑफ पोल. इसको समझो कि एक आवर फिक्स किया गया है कि इस आवर को पोलिंग खत्म हो जाएगी, उससे 48 घंटे पहले, 48 आवर्स पहले एक पीरियड निकाल लो. ये पीरियड इस बीच का है, इस बीच में जो मीडिया है वो कोई भी इलेक्शन मैटर को दिखाएगी नहीं. ठीक है, ये प्रोहिबिशन है मीडिया के ऊपर. नेक्स्ट है सेक्शन 126 ए ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951. दिस सेक्शन प्रोहिबिट कंडक्ट ऑफ एग्जिट पोल. जो एग्जिट पोल क्या होता है कि क्या सेंटिमेंट रहा है वोटर्स का, एग्जिट पोल में मीडिया दिखाने की कोशिश करती है. ये बैन है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, वो पीरियड है फ्रॉम द आवर फिक्स्ड फॉर द कमेंसमेंट ऑफ पोल इन द फर्स्ट फेज एंड द हाफ आवर आफ्टर द टाइम फिक्स्ड फॉर द क्लोज ऑफ पोल फॉर द लास्ट फेज. इस बीच में, द सेड टाइम के बीच में, अगेन मीडिया प्रोहिबिटेड है एग्जिट पोल निकालने के लिए, नहीं निकाल सकती मीडिया.
नेक्स्ट है सेक्शन 127 ए ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। ये कहता है कि जो प्रिंटिंग है या फिर पब्लिकेशन है ऑफ इलेक्शन पैम्फलेट या फिर पोस्टर, जब भी कोई प्रिंटर या फिर पब्लिशर पब्लिश करे या फिर प्रिंटर छापे, तो उस पैम्फलेट पे, उस पोस्टर पे, उस पर्टिकुलर प्रिंटर का नाम और पब्लिशर का भी नाम और एड्रेस होना चाहिए। ये भी है ताकि गलत मैसेज ना सर्कुलेट हो, अगर सर्कुलेट हुआ तो तुरंत किसने छापा उसको पकड़ा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 171H ऑफ इंडियन पैनल कोड, आईपीसी हमारी एक कोड है, आईपीसी एंड सीआरपीसी होती है, ठीक है, इंडियन पैनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, आईपीसी सिविल मैटर्स के लिए रखा गया है। तो ये एक इसमें सेक्शन 171H है, ये प्रोहिबिट करता है इनकरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इंटर एरिया एडवर्टाइजमेंट विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट। मान लीजिए कि मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैं पर्टिकुलर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहा हूँ, मान लीजिए वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अगर मेरे बारे में कोई एक्सपेंडिचर मीडिया कर रही है, मेरा प्रचार कर रही है मीडिया मेरे बिना किसी अथॉरिटी के, कंसेंट के, ये पर्टिकुलर कोई मान लीजिए आज तक प्रचार कर रही है मेरा, आज तक या फिर कोई भी मीडिया मान लीजिए, ठीक है, मेरा प्रचार कर रही है मेरे बिना अथॉरिटी के, मेरे बिना कंसेंट के, तो ये भी प्रोहिबिटेड है, ऐसा नहीं कर सकते, इस पर एक्शन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं वोटर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन। तो मीडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज फार एज द वोटर का एजुकेशन से रिलेटेड है, पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मीडिया पे। आपको पता चलता है जब आप देखते हो न्यूज वगैरह, तो आपको पता चलता है कि भाई आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, जैसे ईपिक कैसे बनेगा, ठीक है, इलेक्शन का शेड्यूल क्या है, कब वोटिंग होगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू हुआ, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप लेते हो, एनी लास्ट टाइम चेंज वो भी आपको मिल जाता है मीडिया के थ्रू। तो एक इलेक्शन कमीशन और मीडिया का रिलेशनशिप जो है वो मोस्ट प्रॉमिसिंग देखा जाता है रिगार्डिंग द डिसेमिनेशन ऑफ वोटर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब इसमें देख लो आगे चल के इम्पॉर्टेंट एरियाज लाइक रजिस्ट्रेशन, एपिक आइडेंटिटी प्रूफ, पोलिंग स्टेशन लोकेशन, यूज ऑफ ईवीएम्स, टाइमिंग ऑफ पोल, यूज ऑफ मनी मसल पावर बाई कैंडिडेट, दीज और इंफॉर्मेशन और द एजुकेशन ऑन दीज मैटर्स आर गिवन बाई हुम, बाई द मीडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट मीडिया, जैसे कि प्राइवेट मीडिया होती है और गवर्नमेंट मीडिया होती है, तो गवर्नमेंट मीडिया में जो गवर्नमेंट की मीडिया है, जैसे कि प्रसार भारती एक अच्छा एग्जाम्पल है, बेसिकली द गवर्नमेंट मीडिया इज एक्सपेक्टेड टू लीड बाई एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रलिटी। ऐसा नहीं कि सरकार जो है उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी को सपोर्ट करने लगो, न्यूट्रलिटी दिखाना है, ऑब्जेक्टिविटी दिखानी है, एंड इट हैज़ टू अधेयर टू वेरियस गाइडलाइंस ऑफ इट्स ओन, ठीक है। नेक्स्ट प्रसार भारती इज बेसिकली एन एग्जाम्पल, इसके संदर्भ में मैं दे सकता हूँ, इन प्रोवाइडिंग फ्री ब्रॉडकास्ट टाइम ऑन ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन टू रिकॉग्नाइज नेशनल एंड स्टेट पार्टीज। तो देखिए प्रसार भारती जो है वो प्रीवियस जो इलेक्शन में जो परफॉर्मेंस होता है नेशनल एंड स्टेट पार्टियों का, उसके दम पे उनको टाइम अलॉट किया जाता है, स्लॉट अलॉट किया जाता है, ठीक है, फ्री ब्रॉडकास्ट टाइम उनको दिया जाता है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ये काम प्रसार भारती हमारी करती है, और उस पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर यू नो नेशनल पार्टी के अचीवमेंट्स वगैरह प्रचार कराया जाता है, उनका एडवर्टाइजमेंट होता है। देन अदर कुछ गवर्नमेंट मीडिया हैं, गवर्नमेंट की कुछ बोर्ड वो हैं, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड यू नो मीडिया हैं, जैसे कि PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, DAVP नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन एंड मेनी अदर सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट्स एंड डिपार्टमेंट्स। ये भी अगेन जो ये डिपार्टमेंट्स हैं ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड अधेयरिंग वेरियस गाइडलाइंस, ठीक है। ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो यार लाइक तो बनता है, लाइक तो किया करो, वीडियोज़ को शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को, इससे मोटिवेशन मुझे मिलता है एंड
एक ताकत सी आ जाती है, आप एक लाइक मारते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, लगता है कि चलो मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, बुरा भी कर रहा हूँ तो बताओ, जब तक बताओगे नहीं उसमें मैं चेंज नहीं ला सकता, ठीक है? क्या आपको चेंज चाहिए वो भी बता सकते हो, सब कुछ रिव्यू करो मेरे वीडियोस का, कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।